इस एनिमे के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि डीमन लॉर्ड की आर्मी ने लिंगर किंगडम पर अटैक करने के लिए अपना ब्रिज दोबारा से कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद हमें ब्लैक नाइट को दिखाया जाता है जो कि एमिलिया से ये कहता है कि मैं इस जंग को एक ही झटके के अंदर खत्म कर दूंगा, वो सारे बस इंसान ही तो हैं और मुझे इस लड़ाई के अंदर काफी मजा आने वाला है और मैं उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसाटो की आँख खुल जाती है और वो अपने कैंप से बाहर आ जाता है और ये सोचता है कि फाइनली बैटल करने का दिन आज आ चुका है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सुजुने आ जाती है और वो उसाटो को देखकर ये कहती है कि तुम्हारी ड्रेस तो बिल्कुल रोज से मिल रही है। और ये सुनने के बाद उसाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुजुने से ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिसके बाद सुजुने उसाटो को अपने आर्मर के बारे में बताने लगती है और ये कहती है ये देखो मेरा न्यू आर्मर, क्या तुम जानते हो कि इस आर्मर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये मेरे थंडर मैजिक को सपोर्ट करता है और इसको पहनने के बाद मैं अपनी बॉडी को आराम से मूव भी कर सकती हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजुने उसाटो को परेशान करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसाटो भी उससे डरकर पीछे होने लगता है और जोर से चिल्लाता हुआ ये कहता है अरे यार काजुकी तुम कहाँ रह गए, मुझे इससे बचा लो। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि काजुकी वहाँ पर आ जाता है और वो आकर सुजुने को पकड़ लेता है और उससे ये कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें कमांडर बुला रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और उसाटो भी चैन की सांस लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सिग्लिस काजुकी और सुजुने को ये बता रहा होता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी हम पर आधे घंटे के अंदर अटैक करने वाली है, लेकिन जैसे वो लोग हमें दिखेंगे हम उनके ऊपर मैजिक से अटैक कर देंगे और तुम दोनों को भी लड़ाई के अंदर कूदना पड़ेगा, अगर हो सके तो तुम दुश्मन के कमांडर को खत्म कर देना। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर सुजुने काजुकी से ये कहती है कि तुम्हें अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। जिस पर काजुकी ये कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तुम उसाटो को भी डिस्ट्रैक्ट कर आई हो। जिस पर सुजुने कहती है कि चलो तुम्हें ये बात समझ तो आई कि मैं वहाँ पर क्यों गई थी। जिसके बाद काजुकी उससे ये पूछता है कि तुम काफी बदल चुकी हो, तुम वो सुजुने नहीं हो जो कि तुम अर्थ पर थी। जिसके बाद सुजुने कहती है कि हाँ मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कि मैं पहले थी, लेकिन उसाटो ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सुनने के बाद काजुकी ये पूछता है कि आखिरकार ये सब कब हुआ, तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। जिस पर सुजुने ये कहती है कि इसके लिए हम दोनों को जिंदा बचना पड़ेगा, जब हम दोनों जिंदा बचकर वापस आएंगे तो मैं ये सब तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तभी अचानक इन दोनों को ये महसूस होता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी इन पर अटैक करने के लिए इनके पास पहुंच चुकी है और जैसे ये दोनों सामने देखते हैं तो पूरी की पूरी डीमन लॉर्ड की आर्मी इनकी तरफ बढ़ रही होती है। जिसके बाद ये सारे के सारे बंदे अपने मैजिक को तैयार कर लेते हैं और सीधा ही डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इन्हें लगता है कि इन्होंने डीमन लॉर्ड की आर्मी को खत्म कर दिया है, लेकिन जैसे ही फॉग हटता है तो वहाँ पर डीमन लॉर्ड की आर्मी नहीं होती, इसका मतलब ये सारा का सारा एक इल्यूजन था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी एक दूसरे डायरेक्शन से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और ये सारे के सारे लोग उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। और अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी टीम को ये बता रही होती है कि जिन लोगों ने भी ब्लैक कपड़े पहने हैं तुम सारे बैटलफील्ड के अंदर जाओ और तुमको वहाँ से घायल बंदों को लेकर आना है और साथ साथ तुम्हें जिंदा वापस लौटना है। जिसके बाद ये सारे बंदे चीता की रफ्तार से बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रोज और गौरव की बहन की ड्यूटी टेंट के अंदर लगा देती है और ये कहती है कि तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर है, लेकिन अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना है। और इसके बाद रोज उसाटो से ये कहती है कि तुम और मैं बैटलफील्ड के अंदर तब जाएंगे जब ज्यादा सोल्जर्स घायल होना शुरू हो जाएंगे, तब तक हम दोनों भी यहीं पर रहेंगे। जिसके बाद उसाटो और उरुरु आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक हम टोंग को देखते हैं जो कि कुछ घायल बंदों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसको देखकर उसाटो ये सोचता है कि इतनी जल्दी लोग घायल होना शुरू भी हो गए। जिसके बाद रोज ये कहती है कि ये एक वॉर है तो यहाँ पर बंदे ऐसे ही आने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी अपने काम पर लग जाओ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसाटो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे को हील करना शुरू कर देता है और बाकी सब भी अपना काम करने लगते हैं। और जिस बंदे को उसाटो हील कर रहा होता है वो उसाटो को ये बताता है कि मेरे ऊपर एक बड़े से स्नेक ने हमला किया था। और ये सुनने के बाद उसाटो ये समझ जाता है कि ये वही स्नेक है, लेकिन उसाटो ये सारी बातें साइड करके दोबारा उस बंदे को हील करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहां पर वही बड़ा वाला स्नेक काफी सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है और ये स्नेक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कोई भी उसे लड़ नहीं पाता। और ये सारा कुछ ब्लैक वाला नाइट देख रहा होता है जो कि ये कहता है कि इंसान तो सच में काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे आने की कोई जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि पीछे से एक बंदा आकर एक बड़ी सी तलवार ब्लैक वाले नाइट की छाती में घुसा देता है, लेकिन इस ब्लैक नाइट को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो और अब तुम्हें मरना होगा। और जैसे ही ब्लैक वाला नाइट उसको मारने के लिए अपनी सॉर्ड उठाता है तभी अचानक वही ब्लैक कपड़ों वाला गार्ड वहाँ पर आ जाता है और इस बंदे को उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद ये ब्लैक नाइट ये समझ जाता है कि ये वही बंदा था जिसके बारे में उसे एमिलिया ने बताया था और वो ये सोचने लगता है कि मैं इस
किडनैपर के बारे में अच्छे से जानता हूँ और अगर इंसान मुझे ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे तो मुझे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी अचानक इसे एक चमकदार लाइट दिखती है और ये बंदा उसी की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद अगले सीन में हम रोज और उसाटो को देखते हैं, जहाँ पर रोज उसाटो से ये कहती है, क्या तुम तैयार हो? अब वो टाइम आ चुका है जब हमें बैटलफील्ड के अंदर जाना है। जिस पर उसाटो ये कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद ये दोनों बाकी बंदों को उनका काम सौंप कर बैटलफील्ड के अंदर कूद जाते हैं। और इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि उसाटो से कहती है कि मुझे एक घायल सोल्जर ने ये बताया है कि बैटलफील्ड के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसने ब्लैक कलर का आर्मर पहना हुआ है और इस बंदे का मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम चौकन्ने रहना। और ये सुनने के बाद उसाटो उसी डरावने फ्यूचर को याद करने लगता है और वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद रोज उसके पास आती है और ये कहती है कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक अल्टीमेट टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिससे तुम किसी को भी आराम से मार सकते हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रोज उसाटो को ये टेक्निक सिखा देती है और ये दोनों अलग अलग जाकर बैटलफील्ड के अंदर भिड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसाटो के सामने काफी सारे लोग लड़ रहे होते हैं और मौत की घाट उतर रहे होते हैं, जिनको देखकर उसाटो ये सोचता है, अच्छा तो ये होती है बैटलफील्ड। पर तभी उसाटो का ध्यान एक डीमन पर जाता है जो कि एक सोल्जर को मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसाटो वहां जाकर उसको बचा लेता है और साथ साथ उसको हील भी कर देता है। और इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि इसी तरह डीमन को हराकर घायल बंदों को बचा रही होती है। जिसके बाद उसाटो उस सोल्जर को लेकर एक कोने में जाता है और उसको हील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि जब मैं तुम्हें उठाकर ला रहा था, मैंने तुम्हें तभी हील कर दिया था और तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। और ये बोलने के बाद उसाटो दोबारा से बैटलफील्ड के अंदर उतर जाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम सुजुने को देखते हैं जो कि अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे डीमंस को मौत की घाट उतार रही होती है। जिसके बाद एक सोल्जर सुजुने से ये कहता है कि हमने इस एरिया के काफी सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है, तो अब हमें क्या करना है? जिस पर सुजुने ये बताती है कि जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन सभी को पीछे भेजो, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम काजुकी और सुजुने को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो दुश्मन के कमांडर को हराने के लिए रास्ता बना सकते हैं, और वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक ब्लैक नाइट अपने साथी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजुने अपने साथियों को आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो सारे के सारे ब्लैक वाले नाइट पर हमला कर देते हैं। और ये देखने के बाद काजुकी और सुजुने काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस ब्लैक नाइट ने हमले को रोकने के लिए रत्ती भर भी जोर नहीं लगाया होता। और इसके बाद वो ब्लैक नाइट ये कहता है कि तुम सारे मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, चलो साइड हट जाओ। और इसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे सोल्जर्स को पीछे हटा देता है। हमें पता लगता है कि जो भी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उसका उल्टा डैमेज उन्हें ही होता है। और ये देखने के बाद काजुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस ब्लैक नाइट से ये कहता है कि तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद काजुकी ब्लैक नाइट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सुजुने उसको बीच में रोक लेती है। जिसके बाद काजुकी का अटैक ब्लैक नाइट के कंधे पर लगता है, जिसको देखने के बाद ब्लैक वाला नाइट ये कहता है, अरे वाह, तुम तो लाइट मैजिक यूज कर सकते हो, मैंने अपनी जिंदगी में लाइट मैजिक पहली बार देखा है। जिसके बाद सुजुने बताती है कि हम इस बंदे पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। लेकिन तभी अचानक ब्लैक नाइट ये कहता है, रिफ्लेक्ट। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि काजुकी ने उसके ऊपर जो भी अटैक किया था उसका सारा का सारा दर्द और चोट काजुकी को ही होने लगता है, जिसको देखकर काजुकी ये सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जिसके बाद सुजुने इस बात को समझ जाती है कि जो भी बंदा इस ब्लैक नाइट की आर्मर पर अटैक करेगा उसका उल्टा असर उसी के ऊपर होने वाला है। जिसको सुनकर ब्लैक नाइट ये कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम पहली इंसान हो जिसने इस बात का पता लगाया है और तुम दोनों मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती हो, तो तुम दोनों यहाँ से मत भागना, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मरने से पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल करो। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से उसाटो को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड के अंदर भाग रहा होता है और उसके सामने दोबारा से वही फ्यूचर के सीन्स आ रहे होते हैं जहाँ पर काजुकी और सुजुने मर चुके हैं। और ये सोचने के बाद उसाटो के दिमाग में काफी जोर से दर्द होने लगता है और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए भी उसको ठीक नहीं कर पाता और ये सोचता है, क्या काजुकी और सुजुने सच में मरने वाले हैं या फिर उन्हें कुछ हो चुका है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक डीमन उसाटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसाटो उससे बच जाता है पर वो लड़ने की हालत में नहीं होता। जिसके बाद वो डीमन दोबारा से उसाटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक सोल्जर आकर उसाटो को बचा लेता है। उसाटो उसको देखकर ये सोचता है कि ये वही बंदा है जिसकी जान मैंने पहले बचाई थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगते हैं। उसाटो उससे सुजुने और काजुकी के बारे में पूछता है, जिस पर वो सोल्जर ये कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ वो दोनों फ्रंट लाइन में होंगे। और ये सुनने के बाद उसाटो उन दोनों की तरफ भागने लगता है और ये सोचता है कि मुझे कुछ भी करके वहाँ टाइम पर पहुँचना होगा। अगले सीन में हम उन सारे डीमंस को देखते हैं जो कि उन सोल्जर से लड़ रहे होते हैं, जिसको देखकर ब्लैक नाइट ये कहता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, जितनी जल्दी हो सके इन कीड़े मकोड़ों को मेरे सामने से हटा दो और इन्हें खत्म कर दो। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजुने काजुकी
वापस ये कहती है हमारे पास यही मौका है और हमें कुछ भी करके इस ब्लैक नाइट को खत्म करना होगा। इस पर काजुकी ये कहता है लेकिन इस बंदे को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका आर्मर सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पर सुजुने ये बताती है मैं ये जानती हूँ कि ये रिस्की है लेकिन मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपना सारा का सारा प्लान काजुकी को बता देती है और काजुकी ये कहता है तुम जानती हो ना कि ये सब काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो ब्लैक नाइट इन दोनों से ये कहता है अगर तुम दोनों की बातें अब खत्म हो गई हो तो क्या अब हम लड़ सकते हैं। और ये कहने के बाद ब्लैक नाइट उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो दोनों भी उसकी चटनी बनाने के लिए आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजुने अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लैक नाइट के सामने धुआं ही धुआं कर देती है और उसे ऐसा लगता है कि ब्लैक नाइट को अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और काजुकी भी पीछे से आकर ब्लैक नाइट पर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करता है और जो भी डैमेज उन दोनों ने उसे दिया होता है वो उल्टा उन दोनों के ऊपर ही आ जाता है। जिसके बाद सुजुने ये सोचती है कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये बंदा डैमेज को देख ही नहीं पाएगा तो शायद उसे रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकेगा। लेकिन तभी अचानक सुजुने का ध्यान डार्क नाइट की कमर पर जाता है जहां से अटैक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता और उसे डार्क नाइट की कमजोरी के बारे में पता लग जाता है। जिसके बाद वो काजुकी से ये कहती है कि हमें इसके ऊपर दोबारा से अटैक करना होगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि डार्क नाइट उन दोनों के ऊपर काफी खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है लेकिन ये दोनों उसके हमले से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर सुजुने अपनी काफी तेज स्पीड का इस्तेमाल करती है और काजुकी भी अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक नाइट का ध्यान भटका देता है। जिसके बाद सुजुने ब्लैक नाइट के पीछे पहुंच जाती है और अपनी सॉर्ड को उसकी कमर में उतार देती है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सुजुने की तलवार सीधा ब्लैक नाइट की गर्दन से बाहर आती है और वो रिफ्लेक्ट तक नहीं बोल पाता। और इसके बाद सुजुने इस बात को समझ जाती है कि ये बंदा उन सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जिनके बारे में ये सेंस नहीं कर सकता। जिसके बाद सुजुने काजुकी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और काजुकी जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वो ब्लैक नाइट ये कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आराम से मर जाऊंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था रिफ्लेक्ट। और ये बोलने के बाद सुजुने ने उसे जो भी डैमेज किया होता है वो सारा का सारा सुजुने के ऊपर आ जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि डार्क नाइट अपनी पूरी की पूरी तलवार को काजुकी की बॉडी के आर पार कर देता है और ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे अटैक को सेंस नहीं कर पाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अटैक को सेंस कर पाऊं या फिर नहीं, और मेरा मैजिक मेरे बोलने पर नहीं बल्कि मेरे सोचने पर काम करता है और मैंने जानबूझकर अपनी कमर वाली चोट को रिफ्लेक्ट नहीं किया था और इसीलिए इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजुने काजुकी के पास जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है लेकिन कुछ देर के बाद सुजुने भी नीचे गिर जाती है और वो मन ही मन में उसाटो से माफी मांगने लगती है जिसको देखकर सारे के सारे डीमंस ये सोचते हैं कि ब्लैक नाइट जीत चुका है। जिसके बाद ब्लैक नाइट सुजुने से ये कहता है मुझे इस लड़ाई में थोड़ा बहुत मजा आया लेकिन यही तुम्हारा अंत है। और जैसे ही वो सुजुने पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक उसाटो वहाँ पर काफी तेजी से भागता हुआ आता है और ये कहता है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और ये बोलने के साथ ही वो ब्लैक नाइट के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे पीछे गिरा देता है। और इसके बाद उसाटो को ऐसा लगता है कि काजुकी और सुजुने मर चुके हैं लेकिन तभी वो देखता है कि काजुकी सांस ले रहा है जिसके बाद वो जल्दी से उन दोनों को हील करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सुजुने को भी होश आने लगता है और वो उसाटो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी अचानक हम उस ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन इस बार उसका आर्मर टूट चुका था और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। जिसके बाद वो उसाटो से ये कहती है कि तुमने मेरे मुंह पर जो मुक्का मारा वो काफी ज्यादा खतरनाक था, उससे मुझे काफी दर्द हो रहा है लेकिन तुम हो कौन। और ये बोलने के साथ ही वो ब्लैक नाइट दोबारा से उसाटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है पर उसाटो जल्दी से काजुकी और सुजुने को उठाकर वहां से भागने लगता है और सारे के सारे डीमंस उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक काफी सारे सोल्जर्स उनके सामने आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि उसाटो उन दोनों को लेकर जा रहा होता है और ये कहता है कि बहुत जल्दी काजुकी की चोट भी ठीक होने वाली है और वो भी होश में आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो ब्लैक नाइट अपनी सॉर्ड को उनकी तरफ फेंकता है लेकिन उसाटो उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद उसाटो ये कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा और मुझे बाकी सोल्जर्स को भी बचाना है। जिसके बाद सुजुने उससे ये कहती है कि तुम्हारा अटैक ब्लैक नाइट के ऊपर काम कर रहा है तो तुम्हें उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और तुम एक बात ध्यान रखना अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारे अटैक तुम्हारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी ब्लैक नाइट अपनी सॉर्ड को उठा लेती है और ये कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी और तुमने मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा अटैक किया था लेकिन मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसाटो उन दोनों को पीछे रहने के लिए कहता है और खुद ब्लैक नाइट से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। और इसके बाद उसाटो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो ब्लैक नाइट भी उसाटो के ऊपर हमला करने लगती है जिसको देखकर उसाटो ये कहता है इसका आर्मर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये इसकी इच्छा के अनुसार मूव कर सकता है लेकिन कोई बात नहीं अगर मेरे अटैक दोबारा मुझे खुद लगे
लगे तो मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद उसाटो अपने किक से उसके अटैक को रोकना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सोचता है, अरे यार ये कैसे हो रहा है, मेरे अटैक्स तो मुझ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, शायद इस बंदे का माना खत्म हो चुका है। और फिर देखते ही देखते उसाटो उसके सारे अटैक्स को अपने हाथ से रोकना शुरू कर देता है, जिसको देखकर ब्लैक नाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये कहती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन तुम ये कैसे कर रहे हो। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसाटो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके आर्मर को भी डैमेज कर देता है, जिसके बाद वो ब्लैक नाइट काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसाटो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देती है। पर उसाटो अपने हाथों से ही उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जिसको देखकर सुजुने काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर कुछ देर के बाद काजुकी को भी होश आ जाता है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ब्लैक नाइट का एक अटैक उसाटो के हाथ में घुस जाता है, पर कुछ देर के बाद वो पिघलने लगता है और उसाटो के हाथ को भी कुछ नहीं होता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसाटो एक काफी खतरनाक हीलिंग पंच बनाकर उस ब्लैक नाइट के जड़ देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है, जिसको देखकर सुजुने ये समझ जाती है कि उसाटो के अटैक उस पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उसाटो ने अपनी पूरी बॉडी को हीलिंग मैजिक से कवर किया हुआ है और वो बस अपने मुक्कों के दम पर ब्लैक नाइट को नुकसान पहुंचा रहा है। जिसके बाद सुजुने कहती है कि ये तो हीलिंग मैजिक को इस्तेमाल करने का काफी गलत तरीका है, लाइक द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ब्लैक नाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने आप को पावर अप कर लेती है, जिसके बाद उसाटो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा बड़ा कर लेती है और ये कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है। पर उसाटो भी हार नहीं मानता, वो भी गुस्से में आकर ब्लैक नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ब्लैक नाइट भी उसे मारने के लिए आगे आने लगती है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो एक काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है और उसाटो को भी काफी जान लगानी पड़ती है। पर देखते ही देखते उसाटो उस ब्लैक नाइट की पूरी तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको रोज भी दूर खड़ी हुई देख रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसाटो का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ब्लैक नाइट का आर्मर एक ही मिनट के अंदर गायब हो जाता है और उसाटो इस फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद उसाटो ये कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि उसाटो बाकी के सोल्जर्स को भी हील कर देता है, जो कि उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। जिसके बाद उसाटो ये कहता है, अरे कोई बात नहीं, रेस्क्यू टीम का मेंबर होने के नाते ये तो मेरी ड्यूटी थी। जिस पर वो सोल्जर ये कहता है कि तुमने बस हमारी जान नहीं बचाई बल्कि तुमने इस ब्लैक नाइट को भी हरा दिया, जिसको देखकर बाकी के डीमंस डरकर भाग गए। जिसके बाद सुजुने वहां पर आकर उसाटो से ये कहती है कि ये सोल्जर बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम इस ब्लैक नाइट को नहीं हराते तो काफी सारे लोग इंजर्ड होने वाले थे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सुजुने उसाटो की तारीफ करती है और उसके खतरनाक पंच के बारे में उससे पूछती है, जिसके बाद उसाटो ये कहता है, अरे यार ये कोई खास पंच नहीं था, मैंने बस अपने पंच के साथ अपनी हीलिंग मैजिक को जोड़ दिया था और ये पंच मुझे रोज ने सिखाया था। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रोज उसाटो को वही खतरनाक पंच सिखा रही होती है और ये कहती है कि अगर तुम्हें दुश्मन को खत्म करना है तो तुम्हें अपने पंच के साथ अपने हीलिंग मैजिक को मर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहां पर सुजुने उसाटो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर काजुकी आ जाता है और ये कहता है कि वो बड़ा वाला स्नेक अब फ्रंट लाइन के अंदर आ चुका है। और ये सुनने के बाद काजुकी और सुजुने वहां पर जाने लगते हैं, जिसके बाद उसाटो उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रोज वहां पर टपक जाती है, जो कि उसाटो को पकड़ कर ये कहती है कि मैंने सुना है तुमने हीरोज को मरने से बचा लिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे, मुझे सारी बातें बताओ। जिसके बाद उसाटो रोज को सारा कुछ बताने लगता है, जिसके बाद रोज उस ब्लैक नाइट को देखकर कहती है, अच्छा तो ये है वो ब्लैक नाइट, लेकिन तुमने सारा कुछ संभाल लिया उसाटो, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद रोज उसाटो की तारीफ करने लगती है और ये कहती है कि अब हमें वापस अपने कैंप में जाना पड़ेगा। जिस पर उसाटो ये पूछता है कि आखिरकार क्यों। जिसके बाद रोज उसे ये बताती है, क्योंकि अभी सारी की सारी चीजें अंडर कंट्रोल में है और जब तक डीमंस कोई ट्रम्प कार्ड नहीं खेलते तब तक सारी चीजें सही रहेंगी। जिसके बाद उसाटो रोज के साथ कैंप में जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो काजुकी और सुजुने के पास आता है और उनसे ये कहता है, तुम लोग ये जानते हो ना कि तुम दोनों हीरोज हो तो तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें बस दुश्मनों को हरा कर सेफली वापस आना है। जिस पर सुजुने ये कहती है कि ठीक है, तुमने हमारी जान बचाई है और हम इस जान को सेफ रखेंगे। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उसाटो रोज के साथ जा रहा होता है, जहां पर रोज उससे ये कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया कि तुम जिंदा रहे। पर उसाटो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और ये कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या। जिस पर रोज ये कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। जिसके बाद ये दोनों कैंप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हम एमिलिया को देखते हैं, जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि ब्लैक नाइट को कैप्चर कर लिया गया है। जिसके बाद एक डीमन उसे ये बताता है कि मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने ब्लैक नाइट को पूरी तरह से हरा दिया था। और ये सुनने के बाद एमिलिया काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई ब्लैक नाइट को भी हरा सकता है, क्या उसको हराने वाला कोई हीरो था। जिस पर वो डीमन ये कहता है कि नहीं, वो एक हीरो नहीं था, उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और मेरे ख्याल से वो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर था। और
ये सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ये पूछती है कि क्या वो रोज थी, जिस पर वो डीमन मना कर देता है और ये कहता है कि नहीं, ब्लैक नाइट को हराने वाला एक यंग लड़का था। और ये सुनने के बाद एमिलिया और ज्यादा चौंक जाती है और ये सोचती है कि क्या उनके पास रोज के अलावा कोई और बंदा है। जिसके बाद एमिलिया ये कहती है कि ऐसी सिचुएशन में मैं खुद जाकर लड़ सकती हूँ, लेकिन हमारे डीमन हमारे बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं इस फाइट को विड्रॉ करने वाली हूँ। और वैसे भी सबसे खतरनाक दुश्मन अभी सिग्लिस बचा हुआ है, तो हमारे जीतने के चांसेस काफी कम है। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काजुकी और सुजुने उस बड़े वाले स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम रेस्क्यू स्क्वाड को देखते हैं जो कि काफी सारे बंदों को हील कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक सारे लोग आसमान के अंदर सुजुने की लाइटनिंग मैजिक को देखते हैं, जिससे उन्हें ये पता लग जाता है कि उन्होंने उस बड़े स्नेक मॉन्स्टर को हरा दिया है। और जब उसाटो एक बंदे को हील कर रहा होता है, तभी रोज उसके पास आती है और ये कहती है कि अब हमें रैप अप करना होगा क्योंकि सारे के सारे डीमंस वापस जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हम पर दोबारा से अटैक करने वाले हैं और हमें उस अटैक के लिए तैयार रहना होगा। और ये सुनकर उसाटो ये कहता है कि क्या वो लोग हम पर दोबारा से अटैक करेंगे, जिस पर रोज ये कहती है कि हाँ, चांसेस तो हैं कि वो लोग हम पर दोबारा से हमला करेंगे। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रोज एक बंदे को हील करना शुरू कर देती है और उसाटो से ये कहती है कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि हम इस बैटल को इसीलिए जीत पाए क्योंकि तुमने हीरोज को बचा लिया। जिस पर उसाटो ये कहता है, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो मेरी जगह आप आकर उन्हें बचा लेती। जिस पर रोज ही कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना हम इस बैटल को हार जाते और तुमने बिल्कुल वैसा परफॉर्म किया जैसे कि एक रेस्क्यू टीम के मेंबर को करना चाहिए। और ये सुनने के बाद उसाटो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है कि किस तरह वो इस वर्ल्ड के अंदर आया और रोज से मिला और उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके काफी खतरनाक चैलेंजेस को भी देखा। और इसके बाद उसाटो उन सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को याद करने लगता है जो कि उसे इस वर्ल्ड के अंदर हुए हैं। और ये सारी बातें सोचने के बाद उसाटो की आंखों में पानी आ जाता है, जिसके बाद रोज उसका फेस ढक देती है और ये कहती है कि तुम तो एक बच्चे हो। जिस पर उसाटो ये कहता है कि नहीं, मैं तो 17 साल का हूँ, लेकिन बैटलफील्ड के अंदर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मैंने बैटलफील्ड के अंदर काफी खतरनाक डीमंस को देखा और काफी सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी। पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिला और मैंने काफी सारे लोगों की हेल्प की। जिसके बाद रोज उससे ये कहती है कि मैं पहले कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जिन्होंने यही बात कही थी जो तुम कह रहे हो, लेकिन वो अब मर चुके हैं और मेरी मेमोरीज में, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसाटो काफी ज्यादा थक जाता है और वो रोज के कंधों पर ही सो जाता है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का फोर्थ पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपने इस एनिमे के पुराने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको इस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। बाकी आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।